बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का राशिफल, आज का यानी कि 21/8/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको भाग्यशाली अंक और उसके साथ भाग्यशाली रंग भी बताऊंगा। आइए, आज की सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आप कार्यस्थल पर अच्छे विकल्प बनाएंगे जो आपके भाग्य को बदल सकता है। आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे और यह आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। आप एक ही जगह पर काम करने से घृणा करेंगे और अन्य रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी और इसलिए आपका संबंध क्षेत्र थोड़ा सिकुड़ सकता है। आपने अतीत में वास्तव में कड़ी मेहनत की है और अब अपने श्रम के फल का आनंद लेने का समय है, लेकिन अपना अहम बीच में लाने को लेकर के आप ही को नुकसान हो सकता है। आप प्रेमी के साथ बहुत समय बिताएंगे, उनके मसले पर चर्चा करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे और सलाह भी देंगे। आपके घर में शांति, खुशी और सद्भाव कायम होगा। यह समय कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ नई चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संबंध विस्तार करने के लिए उपयुक्त है। भाग्यशाली रंग सिल्वर, भाग्यशाली अंक 5। मेष के बाद बात आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जो लोग प्रौद्योगिकी, कला या सामाजिक विज्ञान में एक कोर्स कर रहे हैं वे बहुत अच्छा करेंगे। सितारे आपके पक्ष में होंगे और कुछ भी चीज़ आपको एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी जो आपके करियर को प्रेरित करेगी और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस समय आपका ध्यान करियर पर होगा। अगर आप अपने काम को कुशलतापूर्वक और समय पर पूरा करना चाहते हैं तो आपको सामूह कार्य की भावना रखने की आवश्यकता है और समूह में काम करने का तरीका सीखना चाहिए। इस महीने आप अपने साथी के साथ एक अच्छे रोमांटिक रिश्तों का आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, या गलत मैंने कह दिया, आप दोनों के बीच कई अंतर है। अधिकांश तर्क तुच्छ मुद्दों पर होंगे और आपको इससे बचने के लिए नेतृत्व करना होगा। आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है वो है गुलाबी। भाग्यशाली अंक जो है वो है 8। वृष के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? इस समय में आपके सामाजिक कौशल में काफ़ी सुधार होगा जो आपको एक मजबूत संबंध क्षेत्र बनाने में सहायता करेगा, जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद होगा। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने विकल्पों को चुनने और पैसे खर्च करने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको भविष्य में एक महत्वपूर्ण झटका सहन करना पड़ सकता है। थोड़ा सा धैर्य दिखाने और अपने साथी की समस्याओं को सुनने से आपको आधी लड़ाई जीतने में मदद मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आप कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने वाले हैं क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं। अपने करियर को लेकर के बहुत सावधानी बरतें क्योंकि एक गलत निर्णय बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। काम का दबाव रहेगा और आप उसी के कारण अपनी वर्तमान नौकरी नहीं छोड़ सकते। भाग्यशाली रंग जो है वो है लाल। भाग्यशाली अंक जो है वो है 9। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? हर मोर्चे पर सफलता आपके दिमाग में है। इस समय आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत जुनून के साथ काम कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उच्च ऊर्जा से प्रेरित रहेंगे। उत्कृष्ट अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए समय उपयुक्त है। व्यापार प्रस्ताव के साथ आने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति का विश्वास न करें, यह एक जालसाजी भी हो सकती है। घरेलू मोर्चों पर चीज़ें ठीक नहीं दिखती, लेकिन आप यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें और उनके बीच अच्छे संबंध रहें। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो मतभेदों को निपटाने के लिए बीच का रास्ता अपनाइए। आप समझदारी से सही कदम उठाएंगे और आपकी विनम्रता आपको दूसरों से अलग बनाएगी। भाग्यशाली रंग केसरी। भाग्यशाली अंक 7। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आप अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगे। आप इस समय महान ऊंचाइयों और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं और आप किसी को निराश नहीं करेंगे। आप इस समय अपने घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कैरियर और अपने व्यक्तिगत हित अभी प्राथमिकता नहीं होंगे। आपको कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीज़ें बहुत सहज होती जाएंगी। पिकनिक पर जाने की या एक साथ घूमने की योजना
बनाएं और अपने परिवार वालों को कुछ मनोरंजक और असाधारण गतिविधियों में संलग्न करें ताकि तनाव दूर हो जाए और अपने आपके परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा रिश्ता बने। आप एक संतुष्टिदायक करियर और एक समृद्ध भविष्य का सपना देखेंगे और उसी के अनुसार योजना तैयार करेंगे। भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 4। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? समय आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी और आप बिना किसी परेशानी के सभी खर्चों को पूरा करेंगे। यह समय कुछ नए व्यवसायों में उद्यम करने के लिए अच्छा लगता है और आने वाले महीनों में वे आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। जब आप कुछ अज्ञात लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो बहुत सावधान रहें क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। यदि आपकी कोई छुट्टी की योजना है तो आपको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। इस समय आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों का महत्व अधिक होगा और आपके आसपास के लोग भी इस पर ध्यान देंगे। अगर आप प्यार की तलाश में हैं तो आपको अपने सपनों का साथी मिल सकता है। शिक्षा के मोर्चे पर आप बहुत अच्छा करेंगे। भाग्यशाली रंग जो है वह है हरा, भाग्यशाली अंक जो है वह है 3। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आपकी कड़ी मेहनत अंततः प्रतिफल प्रदान करेगी और आपको जिम्मेदारी और पारिश्रमिक के मामलों में अच्छी वृद्धि मिलेगी। आप निवेश और अपने व्यावसायिक गतिविधियों से बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आपके आसपास के लोग आपके अधिकांश निर्णय को प्रभावित करेंगे। आपको वास्तव में सावधान रहना चाहिए कि आप किसके बारे में सुन रहे हैं और किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से बचें। प्यार निश्चित रूप से इस समय काफ़ी हावी होगा। यह एकल लोगों के लिए अच्छा समय है क्योंकि उन्हें एक उपयुक्त जोड़ीदार मिल सकता है। आप और आपका साथी एक साथ अच्छी गुणवत्ता का समय बिताएंगे। भाग्यशाली रंग नीला, भाग्यशाली अंक 7। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आप इस समय बहुत से लोगों के साथ संवाद करेंगे और इसलिए आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। आपके आसपास बहुत सारे लोगों के होने का एक फायदा होगा क्योंकि आपको उनसे अपार मदद मिलेगी। आप में से कुछ लोग नौकरी छोड़ देंगे और फिर अन्य अवसरों की तलाश करेंगे जबकि आप में से कुछ शांत रहेंगे और कुछ विकल्पों की तलाश जारी रखेंगे। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके बच्चे पहले की तरह ही घनिष्ठता महसूस करेंगे और आपके परिवार में प्रेम का प्रवाह करेंगे। भाग्यशाली रंग सुनहरा, भाग्यशाली अंक 3। वृश्चिक के बाद बात आती है धनुराशि की। धनुराशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? पारिवारिक मोर्चों पर घर में शांति बनी रहेगी और आपके बच्चे बहुत अनुशासित होंगे। आपके प्यार और समर्थन के माध्यम से आपके बच्चे आपकी पढ़ाई में चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बुजुर्ग आपको बहुत आशीर्वाद देंगे क्योंकि आप उन्हें खुश करने और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक से योजना बनाने और अपनी मेहनत की कमाई का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए चाल बनानी होगी ताकि आप कभी भी किसी भी मुद्दे का सामना ना करें। शांति और सद्भाव कायम रहेगा और सभी लोग एक साथ हंसेंगे। कुल मिलाकर के ये प्यार और रिश्तों के लिए एक महान समय है। भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 2। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? पिछली घटनाओं की समीक्षा करने और जो गलत हुआ उसका विश्लेषण करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने का समय है। नए कौशल सीखना जरूरी, शुरू करने में कभी देरी नहीं करें। जो बदले में नए अवसरों के दरवाजे और कमाई के नए रास्ते खोलेंगे। नए लोगों से मिलते रहें और एक मजबूत संपर्क क्षेत्र का निर्माण जारी रखें क्योंकि यह आपके लिए नए विकल्प खोलेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर खर्च को कम करने के तरीकों के बारे में सोचें क्योंकि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस समय आपकी पूरी एकाग्रता आपके परिवार की तरफ होगी। कुल मिलाकर के प्यार रिश्तों के लिए यह एक शानदार समय है। आप इसका आनंद लेंगे। यह सुनिश्चित करें कि अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ वेतन वृद्धि भी पर्याप्त हो और उसके बाद ही पदोन्नति के लिए जाने की समझदारी होगी। भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 6। मगर के बाद अब बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए आपको बताता हूँ। परिवार इस समय आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहने वाला है और आपका मुख्य ध्यान अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रहेगा। आप समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए भी कुछ समय दे सकते हैं। आप दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और लोगों की हर तरह से मदद कर सकते हैं। आप अच्छी वित्तीय स्थिरता का आनंद लेंगे। हालांकि इसमें सुधार करने की हमेशा गुंजाइश होती है। पहले बात यह है कि बचत की आदत विकसित करनी चाहिए और केवल आवश्यक चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए। इस समय आपका जीवन प्यार भरा रहेगा चाहे आप एक रिश्ते में हों या एकल हों। आप वातावरण में प्यार को महसूस करेंगे। एकल के लोगों के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान होगा जिसके साथ वे जल्द ही जुड़ जाएँ और आप यह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं।
भाग्यशाली रंग जो है वह है केसरी, भाग्यशाली अंक 9। कुंभ के बाद राज की अंतिम राशि जो है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए अच्छा समय है और यह समय के साथ अच्छा फल दे सकता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे अगले साल के लिए अग्रिम लक्ष्य निर्धारण करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वित्त के मुद्दों पर में आप पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है और राजस्व उत्पन्न करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जानने के लिए कुछ समय साथ बिताएं कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। आपका भाग्यशाली रंग जंगली, भाग्यशाली अंक 1। तो दोस्तों यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।